व्हाट्सअप दोस्तों, दस तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आई होप आप सब अच्छे होंगे यार, और उम्मीद करता हूँ कि आप यार एकदम मस्त रहिए, खाइए पिए मौज करिए। लड़ ले भाई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मोनोकाइट की टेस्टिंग कर दो भाई, हीरो प्लस की टेस्टिंग कर दो भाई, हीरो प्लस का 2022-24 का हमें वो दिखा दीजिए कि कौन सा माजा बढ़िया है, कौन सा माजा मतलब ओरिजिनल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। मेरे भाई, ये मैंने सब चीज़ें छोड़ दी है, ठीक है ना? तो इस चीज़ के होप में मत बैठना कि यार मैं इन चीज़ों को आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि भाई जिस चीज़ को मैंने त्याग दिया है वो त्याग दिया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जो कॉटन के मांझे जैसे ही लॉन्च करूँगा, कोई सा भी करूँ, उसके साथ मैं आपको प्लास्टिक वर्सेस करके जरूर दिखाऊंगा, ताकि आपको ये पता लगे कि यार ये असलियत में बढ़िया है मांझे नहीं है। क्योंकि थंडर वॉर का मैंने फाइटर के साथ में आपको दिखाया था, तो बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट लड़ा और उस पर आपने खूब प्यार दिया भाई। चलो, मेरी टेस्टिंग पर विश्वास ना हो तो भाई, जब उन्होंने अपने फीडबैक इंस्टाग्राम पर उन्होंने शेयर किया ना, तो भाई उससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है मेरे भाई, समझ गए ना? दूसरी बात मेरे भाई, मौसम देखिए भाई, कितना जबरदस्त सुहावना हो रहा है भाई। आज बारिश पड़ी है कम से कम 2 घंटा लगातार, और इधर की तरफ देखिए पतंगबाजी शुरू हो चुकी है भाई। नीचे की पतंग, ऊपर से पतंग, और हमारे इस साइड भी पतंग, ये वाली पतंग आ रहा है भाई आज तो। आज तो भाई मैं कहूँ कि आज तो भाई मौसम भी बढ़िया है, पतंगबाजी भी सही बढ़िया हो रही है। और आपको मैं आज एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था। ओ, ये कहाँ गया? अरे भाई 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 ऐसा मत करो, इतनी तेज़ हवा चल रही है भाई, पतंग भी आली होगी मेरी तो। देखियो रे, पतंग भी आली होगी मेरी तो, इन्हें एक साइड में रखना पड़ेगा, यहाँ नीचे को जिप जगह काम चलेगा भाई। हाँ तो मेरे भाई, आज मैं जो टेस्टिंग करने वाला हूँ ना, इस प्रीडेटर वाले मांझे की, आज मैं यार इसके साथ में पतंगबाजी करने वाला हूँ। आई थिंक आप इस वाले ब्रांड को जानते होंगे, काफ़ी टाइम पहले मैंने ये ब्रांड लेके आया था, तो भाई उस टाइम पे बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास ब्रांड, मतलब बहुत बढ़िया लड़ रहा था ये। अरे उसका है ये, मैं इसका नाम भूल गया यार, न्यूट्रॉन कंपनी का, न्यूट्रॉन कंपनी ने बनाया था। अब तो ये आना बंद हो गया ब्रांड, लेकिन मेरे पास में बचा हुआ था, और इस पर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया था भाई, बहुत प्यार दिया था। तो हमारे पास में ये अद्धी पतंग है, क्योंकि ऐसे मौसम में भाई अद्धी लड़ाएंगे आज हम, पीले पत्ते पे बनी हुई भाई, बहुत शानदार फरमा। ये है भाई स्पेशल मेरठ की पतंग है, और भाई अपना कन्ने वन्ने करके से सेट करके मामले को करेंगे। अरे मैंने एक वहाँ, यहाँ मैंने मैं छिट लाया था दोस्तों नीचे से, कहाँ गई वे? एक तो यहाँ पड़ी। अरे यार आवाज़ नहीं तेज चल रही मेरे भाई, ये देखियो यारी, अभी से एक जोन की छिट लग के जब उठेगी ना ये, तो इनमें और जान आ जाएगी। और भाई से तुम जानते हो गए तो भाई से सब्सक्राइब जरूर कर दियो, तो ऐसे साइड में रखेंगे। कम से कम 100-150 मीटर मान जाता तो निकालना पड़ेगा जब जाकर पतंगबाजी करूँगा, नहीं तो कर ऐसे तो होने की नहीं, इससे डायरेक्ट तो होने की नहीं। ठीक है भाई, चलो यहाँ पे भाई पतंग में कन्ने वन्ने करके एकदम बिल्कुल सेट कर दिया है, और यहाँ पे भाई टेपिंग वेपिंग भी कर दी है मैंने प्रॉपर तरीके से, और ये टैग भी लगा दिया है, तो पतंग का तो काम हो गया पूरा। लेकिन अभी थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे मांझे का काम, ठीक है, इसको और सेट करते हैं थोड़ा। तो भाई मैं ऊपर जल्दी से गांठ मार लेता हूँ, फिर उसमें से निकालता हूँ इसको, ठीक है। ये इसमें टेप चिपकी हुई है, टेप हटाते हैं। ये रहा भाई, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि भाई ये कम से कम इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया रखा हुआ, तो अब ये देखने वाली बात होगी कितना ज़बरदस्त लड़ता है, कितना ज़बरदस्त नहीं लड़ता। एक बार और मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई, कि कोई भी मुझसे डिमांड ना करे कि भाई ये हमको प्लीज़ प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि इसके लिमिटेड एडिशन बने थे और वो सब खत्म हो चुके हैं, ठीक है ना? तो मैंने अपने पास ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए रखा था, और इसको उठा के इसलिए रख लिया था ताकि मैं आगे जब इसको कभी यूज़ करूँ तो आपको दिखा सकूँ एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ से। तो आप मुझे डिमांड मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो चलिए भाई जल्दी से उसको उतारते हैं। इस पर इसका सिरा भाई, इसका सिरा, और अभी तक इसमें गेम चेंजर चला हुआ है यार। भाई गेम चेंजर यार, कटने का नाम ही नहीं, मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार गेम चेंजर। देख लो यार सद्दी पे, ये देखो सद्दी पे अभी तक गेम चेंजर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने अब तक कितनी पतंगबाजी कर ली होगी इससे, ठीक है? तो चलो इसको जल्दी से उतार लेते हैं यार, भाई पतंगबाजी हो रही है काफ़ी, ठीक है? ये देखो भाई, कम से कम इसमें से हम भाई कम से कम इसमें हम लेंगे कम से कम 200 मीटर मांझा ले लेंगे यार, 200 मीटर से ज़्यादा मांझा नहीं लेंगे। अरे कहाँ जा गया, आ जा आराम से, आ जा नहीं जाना भाई, प्यार दादा हम प्यार वाले आदमी है। क्यों भाई कहते क्यों नहीं? तो भाई आप कहाँ से हो यार, ये बताओ मुझे थोड़ा, पतंगबाजी आपके यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है थोड़ा सा वो भी हमें क्लियर करो, ताकि हमें पता लगे कि आपके यहाँ पे पतंगबाजी शुरू हो गई या नहीं हुई। देखो हमारे यहाँ तो देखो कुछ लोग मेरी वीडियो को देख करके जागरूक हुए, और कुछ लोग पहले से जो उड़ाते थे वे तो उड़ा ही रहे हैं। लेकिन भाई जब से मैंने मतलब वीडियो में बोलना शुरू किया ना, हमारे यहाँ तब से भाई उड़ाने लगे, और अभी तक इसमें जो मैंने मांझा चढ़ा लिया है कम से कम आ गया इसमें 100 मीटर मांझा आ चुका होगा, तो अभी और चढ़ा लेता हूँ। तो देखो भाई किस तरीके से चढ़ती हुई अपनी चरखी, आ जा नाराज ना हो मेरी जान, नाराज ना हो।
भाई साहब इस साइड में पतंगबाजी हो रही, दो दिन पतंग खूब उड़ रही, लेकिन आगे की हिम्मत नहीं उनकी, जो आगे आते हैं उड़ा ले, ठीक है, इतने चुट्टड़ों में जमें उनके। ये देखो भाई थोड़ा सा उछला लूँ, थोड़ा डर भी लग रहा है बारिश वारिश में आ जाए एकदम से, ठीक है जी। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है भाई, ये देखो बारिश का मामला कैट हो जाएगा हमारे साथ में, नहीं तो चलो बस इतना बहुत है यार, इतना काफ़ी है, ठीक है। ये देखो अभी इसके अंदर बचा होगा, इसमें आता है कितना है, इसमें आता है 3 रील मांझा आता है, इसमें बचा होगा, ये 2 रील मांझा बचा होगा, 1 रील तो इसमें ख़त्म हो लिया होगा। अब इसमें टेप लगा के इसको रख देंगे, और सामने की जैसे पतंगबाजी है तो उसकी एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग ये है मेरे से ऊपर को, उसकी काट के आपको दिखाएंगे। ये रखी भाई हमारी पतंग तैयार हुई, और ये रखा हमारा मांझा, ये तो मैंने टेप वेप से सेटिंग करके सारा का सारा तैयार, ये तो मैंने टेप वेप चिपका के इसको एडजस्ट कर दिया। चलो भाई अब सीन देखो भाई कितना ख़तरनाक होगा, यहाँ देखो ये आप देख रहे हो, ये बारिश आ गई और पतंग देखिए सामने की तरफ आपको दिख रही होगी ये वाली, इसके साथ में मैं पैंच करने वाला था, लेकिन उसकी पतंग पता नहीं साले की क्यों नहीं फट रही, पता नहीं कौन सी पतंग उड़ा रहा है ऐसा, लग तो कागज़ की थी और मेरे रंग में भंग डाल दिया इस बारिश ने। आज ये देख लो भाई कंटिन्यू पतंग उड़ रही थी ज़बरदस्त तरीके से, बढ़िया, लेकिन मज़ा ख़राब हो गया कसम से यार। चलो खैर कोई नहीं, बारिश रुकने का वेट करता हूँ भाई। भाई देखो बारिश तो आ रही है लेकिन मेरे पे रुका नहीं जा रहा, और बड़ा ही इंटीमेट सीन हो रहा है, ऊपर की तरफ देखो दो प्यार लड़ रहे हैं आपस में, और इन्हें देख के भाई मेरे अंदर लग रही खुजली। अब देखो इनके पैंच देख रहा हूँ मैं, पता नहीं कौन सा कटा है, किसको काट दिया है, कागज़ वाला नीचे वाला ऊपर पन्नी का भाई, और इनका पैंच हो चुका है, कागज़ वाला जो है नीचे की तरफ जाके खींच मार दिया पन्नी की में भाई, और भाई खींच इतनी ज़बरदस्त मार दी भाई ने, काट दी पन्नी की, काट दी भाई ने, ये देखो तुम जबरदस्ती है गा के कोई यार, ऐसा देख के मेरा जज ही कर रहा है यार, मैं पतंग उड़ा लूँ, लेकिन मैं पता क्या दिक्कत हो रही है मेरे साथ में, बस एक ही दिक्कत हो रही कि मेरा मांझा थोड़ा सा महंगा है और वो ख़राब हो जाएगा इस बारिश में, पतंग की मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मैं मनू नहीं चू थोड़ा मैं डंडा दूंगा साड़े के। चलो आज ये सारी घटना मेरे साथ ही घटनी थी क्या, यहाँ से ऐसी सीख टूट गई, अभी मैंने इसमें देखो गई जी सीख बंदी इसमें, ये देखो मैंने किस तरीके से सीख बंदी, आप भी सीख लो, अगर आपकी तिल्ला टूट जाए बीच में से तो भाई एक सीख ले आना और छेद कर देना आर पार, यहाँ पे भी छेद कर देना अद्धी के मंजे से, इसमें गांठ मार देना ताकि आपका मजबूत हो जाए, देखो मजबूत हो चुकी है, अब इसको उड़ाते हैं भाई जल्दी से। गाइस जैसे कि आप देख रहे हो भाई पतंग तो हमारी बहुत ही स्ट्रगल कर रही है इस टाइम पे, क्योंकि हवा भी नहीं चल रही और एक बारिश भी पड़ रही है, लेकिन तुम्हारे भाई का चुल मच रही है, उस चुल को तो मिटाना ही है, ये देखो किस तरीके से पागल हो जा रही, एक इसकी सीख भी टूट गई बीच में, था तब इतने स्ट्रगल कर रही है, देखो ओ भाई हाथ दुखाएंगे आप तो पक्के वाले, ये देखो भाई आगे किसने का नाम ही नहीं है, चल तो थोड़ी सी तो चला गया को, चल मेरी जान चला ही नहीं, एक तो इतना बारीक मांझा है भाई और ऊपर से हवा नहीं है, इसे चाहिए हवा मांझे को, और बारिश ज़्यादा आ गई इस टाइम पे भाई, लग रहा पतंग उतारनी पड़ेगी, बस इतनी पड़ेगी इससे ज़्यादा नहीं, इसकी औकात इतनी है, ये देखो तो भाई इससे अच्छा है कि मैं पतंग उतार लूँ, क्योंकि हवा का जरा सा भी बीज नहीं इस टाइम पे। ये देखो भाई कितनी तेज़ बारिश आ गई एकदम से, ये देखो मेरे कैमरे पे भी बारिश बारिश हो रही है, आपको ऐसे दिख रही है, नहीं दिख रही ना, आपको यकीन कैसे करवाऊँ, आवाज़ सुनो आ गया यकीन, तो इतना कैड़ा सीन हो गया इस टाइम पे यार, मतलब हवा जो अंदर की छुल थी ना, जो अंदर की छुल थी ना वो तो देखो शांत थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि मुझे उड़ा के देखनी थी और जल्दबाजी के चक्कर में वो सीख भी टूट गई, रही सही नाश होगा भाई कसम से, पतंगबाजी का नाश होगा, आज का मौसम इतना बढ़िया सेक्सी हो रहा था, और इस टाइम पे देखो वहाँ पे भी पतंग उड़ रही है, अभी साला पता नहीं किस मर्ज की दवा है, साले लोग मान नहीं रहे भाई साहब, आज पता नहीं क्या खा के पैदा हो रहे साले, देखेंगे अभी एक पतंग उड़ा रखा बैठ गई सुसरी का, लेकिन तुम्हारे भाई के पास में पन्नी की पतंग नहीं है, पन्नी की पतंग उड़ा ले तैयार में, अरे कोई पन्नी की पतंग गिफ्ट करो भाई, ये हमारे यहाँ पन्नी की पतंग मिलती नहीं तो यार आज का वो लोग इतना बढ़िया बनना था, मैं क्या बताऊँ, मस्त एकदम बनना था, चाहे पतंग कटती मेरी चाहे सो, मुझे टेंशन नहीं थी, लेकिन ऐसे मौसम में तो भाई नसीब ही लगा पतंगबाजी करने का, इतना सुहावना मौसम हो, हवा बहुत बढ़िया चल रही हो और ऐसे में पतंगबाजी अगर हो रही हो, आय हाय हाय, आज वो टाइम आज वो दिन था, चलो कोई नहीं भगवान जी फिर कहता ऐसा दिन लेके आओ, लेकिन बारिश ना लाओ। तो भाई आपको कैसा लगा आज का वीडियो, भाई हो यार मज़ा तो नहीं आया होगा, लेकिन जैसा भी लगा मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो टाइम ओवर होता जा रहा है क्योंकि तो इस टाइम पे बज रहे हैं 7:15, अब दिन भी देख लो कितना ज़्यादा नीचे की तरफ ढल चुका है, रात होने में अभी आधे घंटा बाकी है, क्योंकि 7:45 पूरा एकदम अंधेरा हो जाएगा, अभी 7:15 बज रहे हैं, तो आज के लोगों के साथ इतना ही गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।